नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खुद को तैयार करने में जुटी न्यूजीलैंड की टीम गुरुवार से टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। लॉर्ड्स में खेला गया सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था, हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने यहां शानदार खेल दिखाया था। मैच का तीसरा दिन अगर बारिश से नहीं धुलता तो वह इस मैच का नतीजा अपने पक्ष में मोड़ सकती थी। दूसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप की चुनौतियों को देखते हुए कुछ अहम बदलाव कर सकती है। इंग्लैंड की टीम भी अपने युवा खिलाड़ियों के दम पर शानदार खेल दिखाना चाहेगी। उसने इस सीरीज में एक्सपेरिमेंट करने के लिहाज से अपने अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया है और अपनी टीम में 7 ऐसे युवा खिलाड़ियों को चुना है जिन्होंने अपने करियर में 5 टेस्ट से कम मैच खेले हैं। हालांकि ओली रॉबिन्सन को निलंबन के कारण अपने डेब्यू टेस्ट के बाद से ही बाहर होना पड़ा है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच गुरुवार 10 जून 2021 यानी आज से बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो टीवी पर देख सकते हैं। साथ ही इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11: रोरी बर्न्स, डॉम सिबली, जॉक क्रॉली, जो रूट कैप्टन, ओली पोप, डैन लॉरेंस, जेम्स ब्रेसी विकेटकीपर, क्रेग ओवरटन, ओली स्टोन, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन। न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11: टॉम लॉथम कैप्टन, डेवन कॉनवे, विल एंग, रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वैटलिंग, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, मैट हेनरी, नील वैगनर, एजाज पटेल और ट्रेंट बोल्ट। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत सकती है? आपका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।